हेलो सो नेक्स्ट पोम लाइंस रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ कुछ पंक्तियाँ लिखी है इन्होंने अर्ली स्प्रिंग में बसंत जब बिल्कुल शुरुआत हो रही है और देखेंगे क्या और विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नोन एज अ रोमांटिक पोएट फैक्ट ही वाज़ वन ऑफ द लीडिंग रोमांटिक पोएट्स इंक्लूडिंग सैम्यल टेलर कोल्डरिच सो बिफोर वी हेड ऑन टू द पोम एंड द पोएट लेट्स टॉक अबाउट द रोमांटिक एज अ बिट तो रोमांटिक एज वॉज एन आर्टिस्टिक लिटररी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टूवर्ड्स दी एंड ऑफ एटीन सेंचुरी तो कुछ सेवनटीन हंड्रेड्स के एंड में एक ऐसा वहाँ पर मूवमेंट चला यूरोपियन देशों में जो कि आर्ट में भी दिखा लिटरेचर साहित्य में भी दिखा संगीत में और जनरली लोगों की सोच में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स में जिस तरह की थ्योरीज आ रही थी फिलासफी आ रही थी और ये क्या है इट वॉज सॉर्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिवेलिंग एनलाइटनमेंट आइडियाज इससे पहले एनलाइटनमेंट रोमांटिक एज से पहले हम मानते हैं यूरोप में एनलाइटनमेंट एज चल रही थी जबकि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक आइडियाज़ का प्रोग्रेशन चल रहा था हर कुछ बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो रहा था यू नो इट वॉज ऑल बिकमिंग अबाउट कि किस तरह से आप लोगों को साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स तो इस इंटलेक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही साइंटिफिक हो गया था ये जो माहौल है के अकॉर्डिंग सो इससे एज अ रिएक्शन इससे दूर जाते वापस हम इमोशनल सब्जेक्टिविटी यू you नो know, इमोशंस की जो सब्जेक्टिविटी होती है उसमें हम जा रहे हैं सो दैट इज़ वॉट द रोमांटिक एज वॉज अबाउट और जहाँ तक इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स की बात होती है सो द थ्री मोस्ट फेमस आर विलियम ब्लैक विलियम वर्ड्सवर्थ सैमिल टेलर कोलरेज एंड देन पर्सी शेली जॉन कीड्स एंड लॉर्ड बायरन और इसी का ही इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद फिर हिंदी कविता में छायावाद मूवमेंट भी शुरू हुआ था जिसके कुछ कुछ नाम आपने शायद पढ़े होंगे मैथिली शरण गुप्त सुमित्रानंदन पंथ दीन बंधु निराला सो बेसिकली रोमांटिक पोएट्री वॉज ऑल अबाउट क्या है कि सब्जेक्टिविटी कि आपकी आपको एज एन इंडिविजुअल आपको किस तरह से अनुभव होते हैं आपके और किस तरह आप उनको इमोशंस को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं सो सम ऑफ द की ट्रेट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री एक तो एम्फोसिस ऑन द आइडिया ऑफ सब्लाइम एक जो बहुत ही प्रभावशाली भाषा या फिर डिस्क्रिप्शन इस तरह से इस्तेमाल हो कि जो रीडर के थॉट्स या फिर जो इमोशंस है यू नो दे गो बियॉन्ड ऑर्डनरी एक्सपीरियंसिस तो या तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन होगी यू नो वेरी ब्यूटिफुल इमेजरी एंड साउंडस जिससे आपको ब्यूटी ब्यूटिफुल सबलाइम का अनुभव हो कविता पढ़ते या सुनते हुए या फिर इट कुड ऑल्सो भी अबाउट द ग्रोटेस्क यू नो कि बहुत ही किसी ग्रोटेस्क चीज़ के अनकम्फर्टेबल चीज़ के बारे में किसी के मौत के बारे में बिल्कुल खून गोर को अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे भी यू कैन हैव अ सब्लाइम एक्सपीरियंस यू नो दैट विल टेक अस बियॉन्ड अरसेल्व जो आपका नॉर्मल ऑर्डनरी सेंस ऑफ परसेप्शन होता है जिससे हम दुनिया को देखते और महसूस करते हैं उससे आप थोड़ा बाहर चले जाएं, हाई इमोशंस की तरफ चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव राइट इट कुड बी फियर और इट कुड बी लव एंड ब्यूटी वैसे ही देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इमेजिनेशन इज़ अ की फीचर ऑफ लाइक रोमांटिक पोइट्री की इट टू से आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट ऑफ द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन What the imagination sees as beauty must be truth, the case, imagination, se hi beauty, and beauty, he truth. Hai. Then Blake, who in one of his poems, he says something like, "To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour you know, to see a world in a grain of sand, ek ke mein aap puri kaise sakte that's imagination, that's emotion, Heaven in a wild flower, infinity. इन द पाम ऑफ़ योर हैंड जो अनगिनत जो है इन्फिनिटी अपने हाथ में सो ऑल दीज आइडियाज़ यू नो अनदर फीचर दैन द नेक्स्ट फीचर इज़ लव फॉर नेचर जैसा आप देखेंगे इस कविता में भी लाइन रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग नेचर इज़ ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर रोमांटिक पोइट्स और मेलेंकली यानी थोड़ा सैडनेस यू नो संगीन जो रहता है मिजाज वो भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है इट्स अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रोमांटिक पोइट्स इस कविता में भी आप यही देखेंगे कि इन सब नेचर की ब्यूटी के बीच में विलियम वर्ड्सवर्थ को कैसे मेलेंकोलिक या फिर दुखी ख्याल आते हैं सो देर फॉर यू नो रोमांटिक पोट्री वॉज बेसिकली इट्स इट्स ऑल अबाउट पोइट्री ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमेजिनेशन और जो कि इससे पहले की कविता जो चल रही थी एंडलाइटनमेंट एज की न्यू क्लासिकल पोइट्री उसमें इट वॉज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी यू नो इस उस तरह के पोइट पोइट्स अपने पर्सनल इमोशंस के बारे में नहीं लिखते थे वो दूसरे आइडियाज़ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ पॉलिटिकल आइडियाज़ ऐसे ऐसे सेटायर ये सब के बारे में ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट थे और इसी ट्रेंड को आप आगे चल के देख सकते हैं कैसे डेवलप होता है धीरे धीरे सेलिब्रिटी ऑथर्स बनने लग जाते हैं और कन्फेशनल पर्सनल पोइट्री आती है जैसे बाद में अमेरिकन पोइट्स आए सो दैट्स लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रोमांटिसिज्म इन शॉर्ट वो इमोशंस पे स्ट्रेस है नेचर इमेजिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है so, सो इस कविता एक और आपका रोमांटिक पोइट है आपके कोर्स में शैली शेली इज ऑज लेकिन फिलहाल We'll go with this. So, about the poet William Wordsworth, born 1770, died 1850, a great romantic poet, gave a new direction to English poetry. In his poems, he presents everyday objects and sights of nature with such freshness and emotion that they appear extraordinary and full of life. तो सिंपल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो दृश्य हैं नेचर के जिसको हम सब देखते हैं लेकिन उनको वो इस तरह से इतने फ्रेश तरीके से और इमोशंस के साथ उनका वर्णन करते हैं कि ये सिंपल चीज़ें रोज़मर्रा की एवरीडे चीज़ें भी हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी और फुल ऑफ लाइफ लगने लगती है तो वो जो पोइट जो महसूस करता है जो इमोशन किसी प्राकृतिक दृश्य को देख के वही इमोशन वो इतने अच्छे से कुशलता से अपने कविता में वो कैप्चर कर पाते हैं कि हम भी उस इमोशन को रस ले लेते हैं यू you नो know, उसका इमोशन का सो सम ऑफ हिस पोम्स आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर ही ट्राइज टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल एज फार एज पॉसिबल सो या दिस वाज़ अनदर ट्रेट ऑफ रोमांटिक पोइट्री लैंग्वेज यूज टू बी सिंपल कॉन्वर्जेशनल आम जो भाषा होती है बड़ी सिंपल जो आप देखेंगे इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे दैट वॉज स्टिल लाइक यू नो ओल्ड इंग्लिश एंड ऑल बट फिर भी पोइट्रिक लैंग्वेज ज्यादा थी इसमें आप कुछ अलग देखेंगे इन मैनी ऑफ हिस् पोइ हि टॉक्स ऑफ द सेम लाइफ मूविंग थ्रू ऑल नेचर एंड द ह्यूमन माइंड तो वर्ड्स वर्थ का मानना था कि जो जो तत्व है या जो शक्ति है जो आत्मा है जो उनके मन में है ह्यूमन माइंड में है वही नेचर के हर पहलू में भी है कण कण में है तो उनका मानना था कि जैसे जो अद्वैत टाइप का या फिर जो हिंदू आइडियाज़ भी है शैविक आइडियाज़ भी है जो कश्मीर शैविज़म में हम बात करते हैं कि आत्मा है और ब्रह्मांड है और दोनों का एक ही तत्व और सब कुछ उसी से बना है तो इस तरह के आइडियाज आप सोच सकते हैं कि वर्ड्स वर्थ भी अपने शब्दों में मानते थे या फिर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ही बिलीव दैट ह्यूमन माइंड कैन डेवलप बेस्ट इन एसोसिएशन विद नेचर तो उनका मानना था कि जो ह्यूमन माइंड है जो एग्जिस्टेंस है दैट कैन बी डेवलप्ड बेस्ट उसका सबसे अच्छा डेवलपमेंट नेचर के साथ के करीब के अनुसार रहने से ही हो सकता है एंड दैट मैन मेड सिस्टम्स रूल एंड रूल्स टेन टू डिस्टॉट एंड फ्रस्टेट द ह्यूमन माइंड और जो कि इंसान के बनाए गए सिस्टम्स हैं चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो पॉलिटिक्स सोशल सामाजिक सिस्टम्स जो भी है जो नियम है वो कहीं ना कहीं जो इंसान का जो ह्यूमन माइंड है उसकी जो नेचुरलनेस है प्राकृतिक स्वभाव है उसको डिस्टॉट टेढ़ा मेढा या फिर फ्रस्टेट खराब करते हैं ठीक सो कमिंग डाउन टू द पोम दिस पोम was रिटन इन 1798. Wordsworth describes वर्ड्स everything डिस्क्राइब्स हाउ एवरीथिंग इन नेचर अपीयर्स टू joy. फुल ऑफ जॉय तो इस कविता में वर्ड्स वो दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति में जो भी कुछ भी है विच इज़ फुल ऑफ जॉय उसके अंदर एक अनमोल एक खुशी अनूठी खुशी हर चीज़ के प्राकृतिक चीज़ों के अंदर है वाइल द डिस्ट्रॉशंस इन सोसाइटी ऑफन मेक द लाइफ ऑफ मोस्ट ह्यूमन बींग्स अनहैप्पी जबकि सामाजिक आप सर्कल्स में देखेंगे तो एवरी थिंग इज़ वेरी सैड तो एक तरह से वी कैन अगैन लाइक यू नो गो बैक टू ब्लो ब्लो दाव विंटर विंड उसमें भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे कि जंगल में रहिए सब फ्रेंडशिप इज़ फेक एंड लविंग इज फॉली सो इसलिए और हर कोई धोखा देगा तो इसलिए जंगलों में रहिए पेड़ों के साथ लाइफ इज मोस्ट जॉली सो सिमिलर आइडिया नाउ ही सेज़ दैट वन डे वाइल्ड रेस्टिंग इन द शेड ऑफ ट्रीज़ ही हर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हैप्पी साउंड इन नेचर तो बैठे हुए थे ये कहीं बगीचे में शायद पेड़ के नीचे और इन्हें प्राकृतिक साउंडस हैप्पी साउंड ऑफ नेचर सुनाई देती हैं हवा की बर्ड्स की एक्सेट्रा एक्सेट्रा द ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स ग्रोइंग नेचुरली एंड द ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मूविंग विद द ब्रीज ऑल सीम टू इन्जॉय देयर वेरी एग्जिस्टेंस और जो फूल पत्तियाँ हैं जो इधर उधर उनके आस पास उग रही हैं और पत्ते हवा में चल रहे हैं इन द ब्रीज दे ऑल सीम टू इन्जॉय देयर एग्जिस्टेंस यू नो बिकॉज ये चीज़ें कुछ सोचती नहीं इंसान की तरह हमेशा कि अभी कल क्या हुआ था और कल क्या करना है अब क्या करूँगा खाना कहाँ से आएगा इसे ट्राई से ट्रा इसे से मिलना है ये करना है ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट देयर इन नेचर एंड दे आर इंजॉइंग देयर एग्जिस्टेंस उन्हें अपने जीवन का असली मजा आ रहा है इंसान क्या है बस यहीं फंसा रहता है और सो या द बर्ड्स लुकड हैप्पी इन देयर प्लेफुल मूवमेंट्स बर्ड्स भी हैप्पी हैं ऑल दिस जॉय थ्रिल्ड द पोएट्स हार्ट एंड ही फील्ड दैट इज हैड बिकम वन विद द हैप्पी लाइफ इन नेचर और ये सब देख के उसी तरह की खुशी जो उनको लगता है जो महसूस होता है कि इन बर्ड्स और अम, पेड़ पौधों में फूल पत्तियों में है पोइट को भी वही इमोशन जॉय का नेचुरल जॉय अपने अंदर महसूस हो रहा है यू नो एंड ही सीम्स दैट ही इज़ दिस ही इज़ पार्ट ऑफ दिस हैप्पी लाइफ ऑफ नेचर जो नेचर का ये जो जॉय है वो भी उसमें जुड़ चुके हैं येट लेकिन फिर भी इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस हैप्पीनेस इस सब खुशी के बीच में ही फील्ट वेरी सैड टू थिंक हाउ मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर अनहैप्पी एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टोर्शन इन जस्टिस एंड अननेसेसरी सफरिंग ह्यूमन सोसाइटी लेकिन इस सब खूबसूरती और खुशी के बीच में फिर उन्हें एक सैड ख्याल आता है जब वो बाकी इंसानों के बारे में सोचते हैं जो कि सब क्यू नो दे डोंट हैव दिस टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जैसा जॉन्डन भी कह रहा था कि प्रेम किया है तभी आपको जॉय ऑफ लव पता लगा नहीं तो हम तो ऐसे ही सो रहे थे सो ही इज़ ऑल्सो सेग सम समथिंग लाइक दैट कि जो लोग नेचर से डिवोर्स है नेचर से दूर हैं या फिर उनसे टूट चुके हैं उनका प्रकृति से कनेक्शन टूट चुका है जिन लोगों का दे आर वेरी अनहैप्पी एज ए रिजल्ट क्योंकि समा ह्यूमन सोसाइटी में समाज में दे आर ऑलवेज दीज डिस्टोर्शन इनजस्टिस अन्याय है और अननेसेसरी सफरिंग है फालतू की सफरिंग है पीड़ा है कष्ट है और इन सब से वर्ड्सवर्थ को ये सब सोच के बड़ा दुख होता है क्योंकि नेचर जो हमारा असली स्वभाव है दैट इज़ जस्ट फुल ऑफ जॉय हमें खुश रहना चाहिए लेकिन हम सामाजिक तंत्रों में फंस जाते हैं माया में फंस जाते हैं और इसलिए दुखी रहते हैं सो दैट्स वरी अनहैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ इज ऑल द मोर पेनफुल बिकॉज नेचर डज नॉट वॉन्ट एनी लिविंग बींग टू बी अनहैप्पी एंड दिस अननेसेसरी सफरिंग इज कॉल्स बाय सेल्फिश और ब्लाइंड एक्शंस और वो कहते हैं कि और तो और अनहैप्पीनेस लो ह्यूमन बींग्स का अनहैप्पी रहना और भी दुखद है क्योंकि प्रकृति तो सबको खुश रखना चाहती है प्राकृतिक हमारा नेचर ही खुश रहना है लेकिन इंसान जो क्या है अपने लिए ही अननेसेसरी सफरिंग बना देता है थ्रू वॉट थ्रू सेल्फिश एंड ब्लाइंड एक्शन बिना सोचे समझे जो सेल्फिश एक्शन होते हैं उन्हीं की वजह से इंसान दुखी है सो दैट्स अंटेक्स एंड लेट्स गेट डाउन टू पोम लाइन रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग आई हर्ड अ thousand blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind To a fair works did nature link The human soul that through me ran, And much it grieved my heart to think What man has made of man. Through primrose tufts in that green bar The periwinkle trailed its wreaths, And tis my faith that every flower Enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played Their thoughts I cannot measure, But the least motion which they made It seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan To catch the breezy air, and I must think, to all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's plan, have I not reason to lament what man has made of man? So as you can see, very simple language and a very simple rhyme scheme also. Jaisa aap agar dekh sakte hain, ABA, like you know, there's a certain thing, ABAB a, B type ka rhyme scheme hai, like jaisa notes, thoughts, लिंक थिंक रैन मैन एक एक लाइन छोड़ के जो राइम है सो so, लेट्स uh, the डाउन टू द मीनिंग आई हर्ड थाउजेंड ब्लेंडेड in a ग्रो वाई सैट reclined. ग्रो बगीचा टाइप की जगह में सैट reclined, reclined लेट के बैठे हैं कहीं पे ये और इनको थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स नोट्स यानी म्यूजिक के नोट्स जैसे सारे गामा पाधा डोरे मीफा नोट्स टक टक ए बी सी करके बोलते हैं तो एक, -एक जो की है नोट है जो सुर जो बज रहा है तो वो सब प्रकृति के जो नोट्स हैं जो अलग अलग आवाज़ें हैं चिड़ियों की इंसेक्ट्स की अम, कुछ भी हो सकता है हवा की सो so ये सब साउंड्स इन्हें आ रही है जैसे हवा पत्तों में से चलती है सो so ये सब साउंडस इनको ब्लेंडेड मिक्स किए हुए इनके कानों तक आ रही है सो इन दैट स्वीट मूड वैन प्लेजेंट थाट्स ब्रिंग सैड थाट्स टू द माइंड तो फिर वो एक ऐसे स्वीट मूड में पहुँच गए जब प्लेजेंट थाट्स ब्रिंग सैड थाट्स टू द माइंड तो बहुत ही अच्छे थाट्स चल रहे हैं सब कुछ खुश है लेकिन फिर क्या है जैसे हमने बात की थी इसी स्वीट मूड में फिर कुछ सैड थॉट्स भी आ जाते हैं क्या टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल थ्रू मी रैन तो टू हर फेयर वर्क डिड नेचर नेचर के जो भी काम है यानी कि जो भी उसकी सृष्टि है जानवर फूल पत्ते पौधे पानी एक्सेट्रा उनके अंदर जो है उन्हीं के साथ मेरा ह्यूमन सोल भी जुड़ा हुआ है जो आत्मा इन चीज़ों के अंदर सृष्टि का कर्ण है जैसे बोलते हैं शिव हर चीज में निहित है तो शिव तो वैसे ही जो चीज़ें जो आत्मा इन सब के अंदर है वही आत्मा क्या है इसके अंदर भी तो, पोएट या फिर स्पीकर के अंदर भी है इंसानों के अंदर भी है थ्रू मी रैन एंड मच इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक वट मैन मैन हैज़ मेड ऑफ़ मैन और इस सब के बीच में जब प्रकृति के सिस्टम को देखते हैं स्पीकर uh, सो so उन्हें बहुत दुख होता है इट ग्रीव्ज इज़ हार्ट ये सोचने पे कि वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ़ मैन कि इंसान ने अपना क्या हाल कर दिया है चाहे वो कुछ भी पॉलिटिक्स देखे सामाजिक देखे इनक्वालिटी देखे समाज में कुछ लोग इतने गरीब हैं और कुछ लोग इतने अमीर हैं ये सब देखते रहते झूठ कपट करप्शन ए्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दिस ही इज टॉकिंग अबाउट अब यहाँ पे अगले स्टैंडा में कुछ फूलों की बात कही है यू कैन सी द फोटोज यू नो इट सीज दैट वे थ्रू प्रिमरोज टफ्ट इन दैट ग्रीन बार उसी जो बगीचे एरिया में फूल लगे हैं प्रिमरोज के गुच्छे टफ्ट द पेरिविंकल ट्रेंड इथ्स रीज पेरिविंकल रिजॉर्ट ऑफ अ क्लाइंबर जिसमें पतले पतले टेंड्रिल्स होते हैं जो चढ़ते हैं क्रीपर मनी प्लांट टाइप के शायद समथिंग लाइक दैट एंड टिस् माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉयज़ द एयर इट ब्रीथ्स और इनका मानना है कि जो हर फूल है उसे और जो वो सांस लेता है जैसा हम जानते हैं ना फूल पत्ते भी सांस लेते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं वी ब्रीद इन ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डू द रिवर्स ऑफ इट तो लेकिन कवि का मानना है कि हर फूल जो सांस ले रहा है उसे उसमें बहुत मजा आता है इंजॉयज द एयर एड ब्रीड्स The birds around me hopped and played their thoughts I cannot measure but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasure वैसे ही जो पक्षी है जो आसपास इनके उछल कूद कर रहे हैं खेल रहे हैं उनके thoughts तो ये नहीं जान सकते you know he cannot measure but the least motion which they made लेकिन जो कम से कम भी जो movement जो इधर उधर वो हिलना डुलना उनका जो खेल है उसमें उन्हें pleasure ही pleasure thrill of pleasure ही दिखता है उसमें आनंद दिखता है उन्हें कि पक्षियों को भी बहुत आनंद आ रहा है अपने जीवन में सिंपल जो कर रहे हैं वो द बर्डिंग ट्विग स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई है देर वॉज प्लेजर देयर वैसे ही बडिंग ट्विग्स जो छोटे छोटे ब्रांचेस जो फूल रहे हैं कहीं पेड़ों पौधों में तो स्प्रेड आउट देयर फैन वो जैसे जैसे फल फैल रहे हैं वैसे ही टू कैच द ब्रीजी एयर हवा चल रही है उसमें पत्ते थोड़ा टहनियाँ हिल रही हैं और इसमें भी कवि का मानना है कि देर इज़ प्लेजर If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? So, last stanza, very philosophical. If this belief from heaven be sent, if this is my mind, that Prakriti is joy, that our sobhav is prithvika or Prakriti of nature is just pleasure and joy. और अगर ऐसा ही नेचर का होली प्लान है कि एक एक उसका आ, हर कोई उसका एस्पेक्ट चाहे इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हैं वो सब खुश रहें तो फिर क्या मेरे पास कारण नहीं है लेमेंट करने का दुख हो दुखी होने का कि किस बात का वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन कि इंसान ने इंसान का क्या हाल कर दिया सो दैट्स इट एंड प्लीज़ गो द क्वेश्चंस रेफरेंस टू कंटेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एंड फिर अगली पोम पे चलेंगे गए बाय पर्सी बिश शेली ऑल राइट थैंक